पूरा घर ही गिर गयो। का नुकसान जो कुछ हो वो तो सब हुई ही गो, रही ही का गो, जो नीचे पानी भरो खड़ो। अच्छा, और डूबे ही हैं। आपको गैस चूल्हा वगैरह मिला जी? चूल्हे पे भर रहे हैं? गैस चूल्हा तो मिलो लेकिन वो बेकार, गैस ही ना है भरवाई पाई, पैसा ही ना है बचो। अच्छा, इतनी महंगी गैस हो गई भरवाई नहीं पाई। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोर माता से भी। अच्छा ये बताइए, मतलब ये घर कब गिरा था आपका? मतलब जो कल ज्यादा पानी गिरो परसों तय गिर ही लो। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहानपुर के कटरा विकास खंड खुदागंज में एक गांव है जो मैंने आपको पहले कई बार कवरेज करके दिखाया है। ये गांव है रामेश्वरगंज गोटिया। यहां पे देखिए भैया का ये घर है और लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश काफी जीवन इनका अस्त व्यस्त हो गया है, काफी परेशान है। और इनका घर देखिए, पहले जरा इधर दिखाइए, जरा क्या पोजीशन है इनकी। और यहाँ पे इनको चूल्हा वगैरह, और देखिए जी भैया, भैया आप इधर दिखाइए जरा। भैया आपका क्या नाम है? रामदास। अच्छा रामदास, ये बताइए जो लगातार बारिश हो रही है इससे आपका कितना नुकसान हुआ है? अरे सब पूरा घर ही गिर गयो। का नुकसान जो कुछ हो वो तो सब हुई ही गो, रही ही का गो, जो नीचे पानी भरो खड़ो। अच्छा, और डूबे ही हैं। आपको गैस चूल्हा वगैरह मिला जी? चूल्हे पे भर रहे हैं? गैस चूल्हा तो मिलो लेकिन वो बेकार, गैस ही ना है भरवाई पाई, पैसा ही ना है बचो। इतनी महंगी गैस हो गई भरवाई नहीं पाई। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोर माता से भी। अच्छा, ये बताइए, मतलब ये घर कब गिरा था आपका? मतलब जो कल ज्यादा पानी गिरो परसों तय गिर ही लो। अच्छा, कोई देखने आया? इधर नहीं आया? कोई ना आया हुआ है। अच्छा, कोई ना, यही घर है आपका? हाँ, यही घर है। अच्छा, तो कोई आपको आवास उवास मिला कुछ? और कुछ ना मिला, कुछ नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिली गाँव की तरफ। और देखिए यहाँ इनका ये घर दिखाइए जरा, एक टीन पड़ी हुई है बता रहे इनको। मतलब जो कई योजनाएं चलती हैं जिनका लाभ सिलेंडर है, मगर मिला तो प्रधानमंत्री की तरफ, मगर उस सिलेंडर से कोई फायदा नहीं। अब वो साइड में सिलेंडर पहुंच गई क्योंकि इतना महंगी गैस हो गई है, 1200 रुपए का सिलेंडर कैसे भरवाएंगे लोग। देखिए इनका रूम है, ये इनके बिस्तर वगैरह पड़े हैं। देखिए इनके पास दो दो चूल्हे हैं, मगर क्या करें, अब सारी लकड़ी भीग गई है, अब कहाँ से इनका खाना बनेगा। देखिए इस पे, मतलब इनके आलू वगैरह उबल रहे हैं इस पे, और काफ़ी दिक्कत हो रही है इनको सामने। देखिए दो चूल्हे माता जी ने और तैयार किए नए नए, क्योंकि गैस कौन भरवाएगा? 1200 रुपये सिलेंडर हो गया कि यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो सिलेंडर कहाँ से। देखिए इनकी झोपड़ी, आपको टीन इधर दिखाइए, चारों तरफ आप ये ताजा स्थिति देख सकते हैं। ये नल है इनका, यहाँ पे तो अच्छे लोग आए भी नहीं पहले। स्थिति देखिए इनकी, जो आड़ थी वो भी पानी से चारों तरफ घिर गई है। और देखिए यहाँ पे जो मिट्टी है इन्होंने ऊंचा किया, जिससे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। लगातार हो रही बारिश और बारिश, काफी अलर्ट जारी किया गया और पानी छोड़ा गया इस समय। और इधर देख लीजिए आपको, ये हकीकत है, जमीनी हकीकत। यहाँ कौन दिखाएगा, कौन आएगा? शासन का अधिकारी, कौन प्रशासन का अधिकारी आएगा? किसी को खुशत नहीं है जो ये जमीनी हकीकत दिखा पाए, क्योंकि काम करते हैं, वोट मांगने के टाइम आते हैं, बाकी उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है। आप खुद ही ये हकीकत देख रहे हैं। जब सिलेंडर पे 5 रुपए बढ़ते थे तब लोग सिर पे रख लिया करते थे, आज सिलेंडर 1200 का हो गया, सब खामोश हो गए, सबके मुंह चुप हो गए। जब 440 रुपए का सिलेंडर था, 5 रुपए बढ़ते आए थे, आपको खुद पता है, तो सिर पे रख के रोड जाम करते थे। आज 1200 रुपए का सिलेंडर है, कोई नहीं कह रहा है। अब बताओ जो 250-300 रुपए मजूरी सिलेंडर भरवाएगा, अपने घर का खर्चा चलाएगा, अब कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, किसी में हिम्मत नहीं है ये, क्योंकि ये सच्चाई है। जो सच्चाई दिखाएगा उसे छिपाया जाएगा, यही है देश की राजनीति का। ये जी मैन गेट का मैन द्वार, जो मैंने अंदर की तस्वीरें दिखाई, इनका मैन गेट है ये, इनकी देखिए ये ईटे भैया, ये क्या यहाँ पे क्या थी, ये ईटी लगी हुई है जो अभी लगी है, बाद में लगाई आपने? जी अभी लगाई, दूसरे से लेके, दूसरे से लेके। हाँ, जब तो दीवार थी कच्ची वो गिर गई नीचे। अच्छा, इसी में रहते हो आप? हाँ, इसी में रहते। अच्छा, आप इसी में रहती हो, यही घर है आपका? यही घर हुआ हमारा। अच्छा, आप खुद ही ये ताजा स्थिति देख लीजिए, इस समय कौन रहेगा ऐसे घरों में, जबकि सरकार अच्छे अच्छे वादे किए जाते हैं, मगर जमीने पे कुछ नहीं आ पाता है।